महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपनी वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त राजस्थान 10 बजे का है और चलिए शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात जयपुर संभाग की। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा। जयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब जयपुर पुलिस अलर्ट हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब आज समीक्षा बैठक की तो उन्होंने साफ कहा है कि जयपुर और जोधपुर में रात्रिकालीन कर्फ्यू का सख्ती से पालना करवाई जाए। उसके बाद में आज से जयपुर शहर के अंदर सख्ती से पालना करवाई जा रही है। करीबन 60 नाकाबंदी पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर रात्रिकाल में बिना किसी आवश्यक काम के बाहर आने वाले व्यक्ति को वाहन जब्त किया जा रहा है, साथ साथ उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद करते हैं जयपुर पुलिस की एक कार्रवाई कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में जरूर कारगर साबित होगी। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। कोटा में आज हुए एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कोटा जिले के दिगोद थाना क्षेत्र में दिगोद और सुल्तानपुर के बीच में स्टेट हाईवे पर उमेदपुरा गांव के पास के पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां तेज गति से आ रहे ट्रक ने एक बोलेरो कार को टक्कर मार दी। टक्कर खाने के बाद बोलेरो पलटी खाते हुए लुढ़क गई और सड़क के किनारे पड़ी सूखी माइनर में जाकर गिर गई। हादसे में 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 5वें घायल को कोटा के एमबीएस अस्पताल में उपचार के लिए लाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। चारों घायल एक ही जाति मीणा जाति के हैं और ये लोग गांव जैनी थाना मानपुर जिला श्योपुर राज्य मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि 5वां मृतक इस कार का बोलेरो चालक बताया जा रहा है। एसपी ग्रामीण शरद चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि ये लोग मध्य प्रदेश के व्यापारी किसान हैं जो कि कोटा की मंडियों में अपनी धान और धनिया की फसल बेचने के बाद वापस कोटा से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे, जबकि ट्रक कोटा की तरफ आ रहा था। एसपी ने बताया कि 2 ट्रक ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और इनके बीच में बोलेरो कार के आ जाने से ये पूरा हादसा हो गया। बोलेरो में कुल मिलाकर के 11 लोग सवार थे, जिनमें से 6 घायलों का अभी भी उपचार चल रहा है, लेकिन इनकी हालत खतरे से बाहर है। आगे बढ़ते हैं, बात जोधपुर संभाग की करते हैं जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं बाड़मेर से हमारे सहयोगी दुर्ग सिंह राजपुरोहित। जोधपुर संभाग के बाड़मेर और सिरोही में अलग अलग शिकार के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के भाड़का क्षेत्र की सरहद का था, जहां पर गुरुवार रात्रि को ग्रामीणों को सूचना मिली कि शिकारी चिंकारा हिरणों के शिकार के लिए वन क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने शिकार किए गए हिरणों के साथ शिकारी को दस्तयाब किया। लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड करके वन विभाग के अधिकारियों के पास भेजा, जिसके बाद वन विभाग की 3 टीमों का गठन किया गया। इन 3 टीमों ने रात्रि के समय एक शिकारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से मृत चिंकारा का शव भी मिला है। पुलिस ने इस प्रकरण को देखते हुए वन विभाग को सूचित कर दिया था। वन विभाग ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और दूसरे शिकारियों की तलाश में जुट चुकी है। वहीं दूसरा मामला सिरोही की माउंट आबू से था, जहां पर एक हिरण का शिकार करने का मामला सामने आया। यहां पर भी सांबर के शिकार की 12 दिन पहले वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी। वन विभाग की टीम लगातार रेकी करने के साथ शिकारियों को खोज रही थी। उसके बाद 4 शिकारियों को गिरफ्तार करने में वन विभाग की टीम ने सफलता हासिल की है। शिकार किए गए सांबर के मांस और दूसरे अवशेष भी टीम ने बरामद किए हैं। इन 2 बड़ी घटनाओं के बाद वन विभाग की टीम ने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि वन्य जीवों के शिकार में लिप्त लोगों के खिलाफ राज्य सरकार की मंशा के अनुसार टीम लगातार काम कर रही है। वहीं वन्य जीव प्रेमियों में इन घटनाओं के बाद खासा रोष है। बाड़मेर में हुई घटना के बाद बाड़मेर के DFO कार्यालय में बड़ी संख्या में विश्नोई समाज के लोग भी पहुंच गए और अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। वन विभाग का यह दावा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। आगे बढ़ते हैं, बात उदयपुर संभाग की करते हैं जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। एक बेटे को अपनी माँ का पक्ष लेना इतना भारी पड़ गया क्योंकि पिता ने ही उसे गोली से उड़ा दिया। जी हाँ, यह खबर बांसवाड़ा के पाटन क्षेत्र से है, जहाँ एक पिता ने पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। पाटन थाना क्षेत्र के जोकड़ी माल गांव में नाथू और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। ऐसे में उसका बड़ा बेटा रमण उर्फ रमेश आया और उसने पिता को समझाने की कोशिश की। इसके बाद में रमेश अपने काम में व्यस्त हो गया और वहीं एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें पूरा परिवार चला गया। चूँकि नाथू नहीं गया
तो नाथू घर पर ही था। आदिवासी परिवारों में जो कार्यक्रम होते हैं वो देर रात तक चलते हैं, ऐसे में रात 2 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ तो रमेश सबसे पहले अपने घर पहुंचा। रात के लगभग 2 बज रहे थे, उसने दरवाजा खटकाया, पिता ने पूछा कौन, तो रमेश ने बाहर से आवाज लगाई मैं रमेश। ऐसे में पहले से ही गुस्से और शराब के नशे में भरे हुए नाथू ने घर के अंदर रखी बंदूक निकाली जिसमें पहले से ही छर्रे और बारूद भरा हुआ था। बाहर आते ही उसने फायर कर दिया। ऐसे में रमेश के कई जगह गोली लगी, छर्रे लगे। इसके बाद वह गंभीर हो गया। बंदूक की आवाज़ सुनकर पीछे से लोग आए और तत्काल उसे कुशलगढ़ ले गए। कुशलगढ़ अस्पताल से उसे बांसवाड़ा MGH लाए जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि एक छर्रा उसके कंधे के पीछे लगा जो पार होता हुआ सीने में आकर अटक गया, जो कि उसकी मौत का सबसे अहम कारण है। बताते चले, रमेश अपने कर परिवार का कमाने वाला सबसे बड़ा शख्स था, जो कि गुजरात की गाड़ियों पर खल्लासी का काम करता था। कल ही आया था और आज उसे वापस जाना था। अब पूरा परिवार आर्थिक तंगी में तो आ ही गया। दूसरी बात यह है कि रमेश के छोटे छोटे बच्चे हैं जिसमें एक बेटी दूध पीती है तो एक दूसरा 2-2.5 साल का बेटा है। बेटे के 2 बच्चे हैं जिसमें एक बेटी अभी दूध पीती है और आज जब अस्पताल में पूरा परिवार मौजूद था तो माँ बिलख रही थी पर बेटी दूध के लिए चहक रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस परिवार पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है। आगे बढ़ते हैं, बात अजमेर संभाग की करते हैं जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। नाबालिग छात्रा की अश्लील वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पर वायरल करने की घटना से टोंक के डिग्गी कस्बे में मचा बवाल। 2 अलग-अलग संप्रदाय का मामला होते ही ग्रामीणों ने मचाया हंगामा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 थाना पुलिस का जाब्ता किया गया मौके पर तैनात। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के डिग्गी कस्बे में भी लव जिहाद को लेकर आज बवाल मच गया, जहां समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने एक दूसरे संप्रदाय की एक नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वहीं जब घटना का पीड़िता और उसके परिजनों को पता चला तो कस्बे में बवाल मच गया। पीड़िता के परिजनों और ग्रामीणों ने आज सुबह दोनों आरोपी युवकों की खंभे से बांधकर जमकर धुनाई कर डाली। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे टोडराय सिंह विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने सरकार से लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठाई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों युवकों को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही परिजनों और ग्रामीणों की मांग पर मामले के 2 और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालातों के तनावपूर्ण होने के कारण इलाके में 5 पुलिस थानों का जाब्ता तैनात किया गया है। मामला चाहे किसी भी धर्म या महजब का हो, कोई भी धर्म या संप्रदाय महिला या बालिका की अस्मत से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देता। दुराचारियों पर तो कानून की कड़ी कार्यवाही लाजमी है। आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर संभाग की करते हैं जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में आज 12 करोड़ की लागत से बने सामाजिक विज्ञान और विधि विभाग के भवनों का लोकार्पण किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अरसे बाद किसी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में एक तरह से वर्चुअल माध्यम में ही सही लेकिन साथ साथ नजर आए। दरअसल लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल सकारात्मक तौर पर मर्यादाओं का पालन कर बेहतर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने नई शिक्षा नीति की भी तारीफ की। राज्यपाल कलराज मिश्र का कहना था कि कोरोना काल में ये जरूरी है कि ऑनलाइन कोर्सेज पे यूनिवर्सिटीज ध्यान दें। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह से नेहरू जी के ज़माने में शिक्षा का वातावरण बेहद अच्छा था, हम कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में वैसा ही माहौल हो। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है जिससे राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल हो, हम ये प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि रिकॉर्ड 85 नए कॉलेजेस खोले गए हैं, जो अपने आप में ये बताता है कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा को लेकर कितना समर्पित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर BD कल्ला और भंवर सिंह भाटी दोनों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि युवा मंत्री के तौर पर भंवर सिंह भाटी बेहतर काम कर रहे हैं। तो वहीं ये बताया कि डॉक्टर BD कल्ला बीकानेर में उच्च शिक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं।
तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज बीकानेर के लिए एक उपलब्धि भरा दिन था। 12 करोड़ की लागत से बने दो नए भवनों का लोकार्पण हुआ। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह और उप कुल सचिव डॉक्टर विट्ठल बिस्सा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, बात भरतपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के कामा में रैन बसेरों में मिली शराब पार्टियां होती हुई, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया था दौरा, पुलिस को दी सूचना। कामा नगर पालिका चुनाव के चलते मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरों की जांच के दौरान शराब पार्टियां होती हुई मिली। पार्टी के दौरान अचानक जांच करने पहुंचे न्यायिक मजिस्ट्रेट को शराब के नशे में धुत लोगों ने अब मर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिस पर उन्होंने पुलिस को तत्काल सूचना दी और मौके पर पुलिस ने पार्टी चल रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद यह जांच का विषय बना हुआ है कि यह पार्टी क्या नगर निकाय चुनाव को लेकर दी जा रही थी या कई अन्य कारण है। रैन बसेरों में चल रही शराब पार्टी को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह पार्टी चुनावी हो सकती है, जिसको लेकर कामा पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है।